Bunyinaka, do you know that cybercrime is becoming a growing problem in Fiji? Cybercrime is defined as a crime in which a computer is the object of the crime, such as hacking and spamming. Cybercrime is also cyberbullying and using fake profiles to cause panic and spreading false news. If you're involved in this or know anyone who's committing these crimes, report them immediately. I'm Polly. And I'm Peter. We host the Traffic Jam Show on City FM. From 3 p.m. to 7 p.m. every weekday. Do the right thing. नमस्कार फिजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूँ प्रणीता प्रकाश। ट्रॉपिकल साइक्लोन यासा का असर जबकि बुआ पर पड़ रहा था तब यंगांग की रहने वाली अकुसिता वितलिना ने अपने 3 महीने के बच्चे के साथ 3 घंटा घर के नीचे बिताया था। वितलिना का कहना है कि घर क्षतिग्रस्त हो गया था और उसे सुरक्षित रहने के लिए फ्लो के नीचे रहना पड़ा। यंगांग बुआ का एक ऐसा आइलैंड है जिस पर साइक्लोन का बुरा असर पड़ा है और वितलिना का कहना है कि उसने बच्चे को बचाने के लिए ये सब कुछ किया। वितलिना का कहना है कि एक भयानक अनुभव था, हालांकि उसे इस बात की खुशी है कि उसके विलेज में किसी की मौत नहीं हुई। यंगांगा आइलैंड में 49 घर हैं और इनमें से 23 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मिनिस्टर इनेसे रातु का कहना है कि इनिशियल असेसमेंट से इस बात का संकेत मिला है कि पहले आई साइक्लोन से हुई क्षति के मिलान में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। सेरातू का कहना है कि टीसी यासा से जरूरी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें ब्रिजेस और पावर लाइंस शामिल है को भारी क्षति नहीं हुई है, लेकिन उनका कहना है कि घर स्कूल्स और एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज्यादा असर पड़ा है। सेरातू का कहना है कि वे इमीडिएट रिकवरी प्लान और लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन पर ध्यान दे रही है। उनका कहना है कि असर पड़े इलाकों में पानी सप्लाई को सामान्य करने की कोशिश कर रही है। अटॉर्नी जनरल और फ्यूजन गवर्नमेंट डेलीगेशन की एक टीम 46 वर्षीय किसान स्वर्गीय रमेश चंद के परिवार वालों से लोवेलोवे बोदालम्बासा में मुलाकात कर उन्हें अपनी सहानुभूति प्रकट की है। यूएन रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर भी गवर्नमेंट टीम का हिस्सा थे जो नॉर्दर्न डिवीजन के असर पड़े कम्युनिटी मेंबर से मुलाकात कर रहे थे। लोवेलोवे के निवासियों का कहना है कि पहली बार है जब उन्होंने इस तरह के साइक्लोन को अनुभव किया है। अटॉर्नी जनरल अया सैयद कयूम, मिनिस्टर फॉर एजुकेशन रोजी अकबर और मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने उन्हें कुछ राहत का सम्मान भी दिया है। और खेलकूद की खबरों में फिजी फुटबॉल अगले साल चैंपियन वर्सेस चैंपियन सीरीज में बदलाव करेंगे। लम्बासा अगले महीने सुबह को होस्ट करेगा लेकिन वर्तमान स्थिति के कारण दोनों मैचेस शायद सुबह खिसका दिया जाए। फिजी फुटबॉल के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि इस बारे में अभी बातें हो रही है तथा वे अगले महीने बोर्ड के आखिरी फैसले का इंतजार करेंगे। यूसुफ का कहना है कि वे लम्बासा टीम को सुबह भी लाएंगे अगर जरूरत पड़ी। लम्बासा कोच इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियंस है जबकि सुबह वोडाफोन प्रीमियर लीग टाइटल और वोडाफोन फिजी फैक्ट के विजेता है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Oyirana mo ene no ndei nini ene be sine mataka. Merci sunga da kana roma di na kendo mikron. Sakana ngau na meta robina na na bangsa ngai ka bala lo mataki na ngwani. Dalamina oya wo meliki. Bulre oya wo Samuel Samuel. Nama kiki rau ene be mataka. Boni ti kina pagrombuka. Ni boi ti ni kali mana mini ti me ono kina ti ni na kaloko. Ene Radio Fiji 1 na ndomo ibiti. Ina pina na mataka. Dan ramana singa bo.